दुर्गुत और बमसी एक दूसरे से भाइयों जैसी मोहब्बत करते थे, जो कई जंगों में बातिल के मुकाबले एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आए और दुश्मन को धूल चटाई। लेकिन मोहब्बत की दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, कहीं न कहीं से गलतफहमी इंसान के दिल में जगह बनाने का रास्ता तलाश कर ही लेती है। आज की वीडियो में हम दुर्गुत और बमसी के दरमियान होने वाली तीन बड़ी लड़ाइयों का जिक्र करेंगे, जिनमें से दो लड़ाइयां ऐसी थीं जो दुश्मन को धोखा देने के लिए लड़ी गईं, ताहम एक लड़ाई दोनों दोस्तों के दरमियान पैदा होने वाली रंजिश की बुनियाद पर हुई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर तीन, नाज़रीन, तीसरे सीजन में जब दुर्गुत पर ओराल के सिपाही हमला करते हैं और दुर्गुत को इंतहाई जख्मी हालत में सलेबी जासूस सैमून की बहन बचाकर अनली बाजार ले आती है, तो दुर्गुत बजाहिर काई कबीले जाने से इनकार करते हुए अर्तुरुल से बगावत का ऐलान कर देता है। ये खबर जहां काई कबीले के तमाम अफराद के लिए हैरान कुन थी, वहीं बमसी के लिए इस बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा बमसी गुस्से और गैर यकीनी की कैफियत में हानली बाजार जाकर दुर्गुत को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन दुर्गुत इनकार करते हुए नागवारी से बमसी को वहां से चले जाने का कहता है और इस बात पर बमसी को गुस्सा आ जाता है और दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। ये सूरत हाल देख कर अगरचे दुश्मन बहुत खुश होते हैं, ताहम बमसी का दिल टूट जाता है और जब वो दोस्त की बगावत से मायूस होकर बाहर आता है तो उसे अपनी जेब में एक पैगाम मिलता है जो दुर्गुत ने लड़ते लड़ते बमसी की जेब में डाल दिया था। ये मंजर देखते ही बमसी के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो पुरजोश होकर कबीले में अर्तुरुल गाजी को बताता है कि दुर्गुत एक खास मकसद के तहत वहाँ रुका हुआ है और उसने इंतहाई अहम मालूमात भेजी हैं, जिस पर अर्तुरुल गाजी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं जानता था कि मेरा सिपाही मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। नंबर दो, दोस्तों, काराचायसर किला फतह हो जाने के बाद अर्तुरुल गाजी आर्तुक बे को मारिया के साथ शादी की पेशकश करते हैं, जिसे आर्तुक बे कबूल कर लेते हैं और ये शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद आर्तुक बे को एहसास होता है कि उनकी अहम मालूमात दुश्मन तक पहुंच रही हैं और काफी गौर फिक्र के बाद आर्तुक बे का शक अपनी बीवी मारिया पर जाता है, तो वो दुर्गुत और बमसी को बुलाकर तारी सूरत हाल से आगाह करते हैं और एक मनसूबे के तहत मारिया के सामने दुर्गुत और बमसी में तल्ख कलामी होती है और फिर ये दोनों बहादुर दस्ते करीबां हो जाते हैं। ये लड़ाई रफ्ता रफ्ता शिद्दत अख्तियार करती है और बमसी के हाथों दुर्गुत की बजाहिर मौत वाके हो जाती है। आर्तुक बे मारिया और बमसी को ये बात राज में रखने को कहते हैं और फिर मारिया पर नजर रखते हैं, तो मारिया ये मालूमात एक सलीबी जासूस को पहुंचाते हुए पकड़ी जाती है, जिस पर आर्तुक बे उसे जंदान में डाल देते हैं। दूसरी तरफ सलीबी कमांडर तीतान इस खबर को सच मानकर हानली बाजार पर हमला करने पहुंच जाता है, लेकिन वहां दुर्गुत को जिंदा देखकर जहां उसे हैरत का शदीद झटका लगता है, वहीं बमसी और दुर्गुत के हाथों उसकी अच्छी खासी दुर्गत भी बनती है। समसा और दीगर सिपाहियों के इंतकाम में जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। नंबर एक, दुर्गुत और बमसी में होने वाली ये लड़ाई किसी हिकमत अमली के तहत नहीं हुई थी, बल्कि हकीकत में एक संजीदा नौयत की मुखालफत के बायस हुई। अर्तुरुल गाजी चूंकि एक अहम मकसद के लिए कूनिया में मौजूद थे, तो वो कबीला बमसी के सपोर्ट कर गए और दुर्गुत जो के चाबदार कबीले के सरदार बन चुके थे, उन्हें काई कबीले के साथ अपना कबीला आबाद करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन असलाहान खातून और चाबदार कबीले के चंद दीगर सरदारान चाहते थे कि वो अपना कबीला काई कबीले से थोड़े फासले पर आबाद करें। दुर्गुत ने अपने सरदारान की राय का एहतराम किया और कबीले के लिए जगह का इंतखाब करते हुए काई कबीले से मुनासिब फासला रखा। बमसी ने दुर्गुत से दरख्वास्त की कि वो जगह कबीला आबाद करने के लिए मुनासिब नहीं, लिहाजा वो अपना कबीला काई कबीले के साथ ही आबाद करें, लेकिन दुर्गुत ने बमसी की दरख्वास्त और सलाह को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर बमसी को गुस्सा आया लेकिन वो वहाँ से चला गया। दोबारा फिर बमसी ने वही बात दोहरा कर दुर्गुत को खबरदार किया, जिस पर दोनों के दरमियान खासी तल्खी पैदा हो गयी। इसी दौरान जब असलाहान खातून हफ्सा के साथ काई कबीले से चाबदार कबीले की तरफ खेमों का जायजा लेने जा रही थी, तो दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और दोनों खवातीन को अगवा कर लिया। जैसे ही ये खबर बमसी तक पहुंची, बमसी ने दुर्गुत को कसूरवार करार दिया और दुर्गुत से लड़ना शुरू कर दिया। करीब था कि दोनों में संजीदा नौयत का टाकरा होता। आर्तुक बे ने दोनों को वक्त की नजाकत का एहसास दिलाया। बमसी इस कदर गुस्से में था कि उसने खवातीन की बाजियाबी के लिए दुर्गुत के साथ किसी मुश्तरिका पेशकदमी से भी इनकार कर दिया। अहम दुर्गुत ने इस मौके पर एक अहम
सलीबी कमांडर को पकड़कर उसके बदले खवातीन को बाजयाब करवाने में अहम किरदार अदा किया। इस गैर खुशगवार वाकये के कुछ ही वक्त बाद बमसी और तुर्कुत गलत फहमियां भुलाकर और अपने दिल साफ करके एक दूसरे के लिए ऐसे दोस्त जैसे वो हमेशा से हुआ करते थे, बल्कि इस बार तो उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत थी। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेजबान जुबैर खालिक को इजाजत दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।